हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी अभी मेरी हेडक्वार्टर से बात हुई है, तो मैंने उनसे दो बातें पूछी थी। फर्स्ट मैंने ये पूछा था कि डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट्स हमारे कब देखने को मिल सकते हैं, तो मुझे जो रिप्लाई मिला है वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे रिप्लाई में यही आंसर मिला है कि आपको 10 डेज के विदिन 10 डेज आपको सर्टिफिकेट्स जो है डिजी लॉकर में देखने को मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उनको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा अपने सर्टिफिकेट्स का, तो वो सर्टिफिकेट्स जो है आपको 10 डेज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे दूसरी बात जो मैंने उनसे पूछी थी वो जुलाई के एग्जाम के बारे में पूछी थी। तो जुलाई का जो एग्जाम है उसके बारे में मुझे क्या रिप्लाई मिला कि आपको जब भी जुलाई में एग्जाम होगा आपको उसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो उन्होंने ये भी साथ में कहा कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि इस बार जो है हर चीज टाइम पर हो गई है, कि रिजल्ट भी टाइम पर आ गया और उसके बाद सर्टिफिकेट्स भी जल्द आने की उम्मीद है। तो जुलाई में अगर एग्जाम है तो मोस्ट प्रोबली आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो मई तक जाएंगे, तो आपको हो सकता है कि अप्रैल में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए जुलाई के एग्जाम्स का। तो अभी टाइम पड़ा है तो आप ये सोचकर कि दिसंबर में एग्जाम होगा अपनी तैयारी बंद मत कीजिए। आप अपनी तैयारी अभी से जारी रख लीजिए ताकि अगर एकदम से नोटिस आएगा तो आप जो है अप्लाई कर सके नेक्स्ट सीटेट के एग्जाम के लिए। तो ये डायरेक्ट जो है हेडक्वार्टर से बात हुई थी और मैंने ये आपके साथ शेयर कर ली है और ये जानकारी बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीज अपने ध्यान में रखेंगे और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।